हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ओनिडा कंपनी का एक सीआरटी टीवी है और ये देखिए स्लिम 120 इस तरह इसका सामने लिखा है। और ये टीवी का एक अलग सा फॉल्ट है, तो चलिए मैं सप्लाई दे के आपको देखूँगा कि ये टीवी का फॉल्ट क्या है। तो सप्लाई तो दे दिया और ये टीवी ऑन हो गया। स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए, देखिए लाइट इसका बिल्कुल ओके है, लेकिन जो लोगो चला गया। और चलिए एक बार ये भी मूड पड़ी है, वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, जब मैं ये वीडियो लाइन दे दिया, स्क्रीन पर ये रेड टाइप लिखा दिखा जाता है, ठीक है। ये कैमरा पर अच्छा नहीं दिखा जाता है, तो तब भी ये व्हाइट टाइप लगता है, लेकिन ये रेड टाइप ही लगता है, आप अच्छा करके देख सकते हो। तो चलिए वीडियो प्ले करने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इसका फॉल्ट क्या है। तो दोस्तों देखिए, सब रेड रेड लगता है। तो चलिए एक वीडियो प्ले करने के बाद देखिए, मैं एक वीडियो प्ले किया, तो वीडियो प्ले करने के बाद ये देखिए इस टाइप अधिक रेड ये फॉल्ट दिखा जाता है, ठीक है। तो इसका जो ग्रीन कलर जो वो बहुत ही कम लगता है। तो चलिए ये टीवी को अभी तक इस टाइम मैं ओपन नहीं किया है, मैं सप्लाई को ऑफ किया। और चलिए ये टीवी को ओपन करके भी आपको देखूंगा कि ये टीवी का फॉल्ट क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये अल्ट्रा स्लिम एक पिक्चर ट्यूब है और इसका बैक कवर तो मैं ओपन किया। और दोस्तों आप देख सकते हो, ये जो पीसीबी है ओरिजिनल ओनिडा कंपनी का पीसीबी है। और इसका बेसबोर्ड देखिए, बेसबोर्ड का अंदर कुछ SMD कंपोनेंट है, जो रेजिस्टेंस देखा जाता है और PFB है। तो चलिए, एक्चुअली ये एक टेक्नीशियन का ये पिक्चर ट्यूब है मेरा पास भेजा कि इसका जो कलर प्रॉब्लम वो आइडेंटिफाई किया कि ये पिक्चर ट्यूब का फॉल्ट है। तो चलिए मैं एक बार अलग तरीका से देखूंगा कि इसका बेस बोर्ड पर प्रॉपर वोल्ट मिलता है कि नहीं, ठीक है। इसीलिए मीटर को मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया, ठीक है। और इसी टाइम एक बार कुछ वोल्टेज चेक करके देखूंगा। तो चलिए मैं टीवी पर सप्लाई दे देता हूँ। सीरीज लैम्प ऑन है, तो लगता है ये डाउन हो जाएगा। तो देखिए ये लैम्प डाउन हो गया, टीवी भी ज़रूर ऑन होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये टीवी तो ऑन हो गया। चलिए इसी टाइम वोल्टेज एक बार चेक करके देख लेता हूँ कि कितना वोल्ट मिलता है तीनों 8 GB पिन पर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये जो फर्स्ट पिन है, आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, ये स्मॉल नेक का पिक्चर ट्यूब है दोस्तों। ये स्मॉल नेक बेस है और ये छोटा बेस है, ठीक है। तो फर्स्ट तीनों कैथोड पिन को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो न्यू टेक्नीशियन को मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, मैं एक ड्राइंग करके ही रखा है। ये स्मॉल जो पिक्चर ट्यूब का पिन फंक्शन ये है, ठीक है। और ये बिग नेक का, ठीक है, ये मॉनिटर का। और ये बिग ओवल और अल्ट्रा स्लिम का, ठीक है। और ये जो स्मॉल, ये ओवल और अल्ट्रा स्लिम भी हो सकता है। तीनों कैथोड पिन देखिए, ये बेस का पीछे साइड ड्राइंग में किया। ये जी कैथोड का एक नंबर पिन, और उसके बाद G2 पिन का बाद ये आर कैथोड का पिन, ठीक है। और इसका नीचे 7 नंबर ये बी कैथोड का पिन, ठीक है। ये तीनों मेन पिन वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ये जी कैथोड पिन का पिन वोल्टेज मैं देखूंगा, ठीक है। तो देखिए ये जी कैथोड है और यहाँ पर वोल्टेज कितना मिलता है, देखिए 109 वोल्ट, ठीक है, 109 वोल्ट ये पिन पर। और उसके बाद G2 पिन का बाद यह आर कैथोड का पिन है, तो यह पर कितना वोल्ट देखिए, ये 126 वोल्ट, तो थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं। उसके बाद चलिए लास्ट नंबर पिन, ये पिन पर ये बी कैथोड का पिन है ब्लू कलर का, ये पिन पर वोल्टेज देखिए 60 वोल्ट। तो दोस्तों ये क्यों इतना कम है, तो ये हो सकता है, तो लगभग ये ओके देखा जाता है। तो क्यों कम है, देखिए स्क्रीन का लाइट ब्लू ये अधिक है, क्योंकि मैं कुछ भी सिग्नल नहीं देख के रखा है,
इसी के वजह वो वोल्टेज कम है। तो आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ऑडियो वीडियो कॉर्ड में कनेक्ट करके रखा है। तो चलिए मैं वीडियो सप्लाई देके आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए मैं वीडियो सप्लाई दे दिया, ठीक है। स्क्रीन का अंदर ये एक सेटअप बॉक्स का लोगो आ गया, ठीक है। और इसी टाइम जरूर ये वोल्ट चेंज होना चाहिए जो बी कैथोड का, क्योंकि स्क्रीन पर अभी ब्लू लाइट नहीं है। जिस कलर का लाइट स्क्रीन पर अधिक आएगा वो पिन का वोल्टेज थोड़ा डाउन हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये बी कैथोड पिन पर वोल्टेज अभी, ये बी कैथोड पिन पर वोल्टेज अभी देखिए 98 हो गया। तो लगता है कि इसका वोल्टेज सब कुछ ओके है। और आपको क्या देखूँगा, चलिए तीनों सिग्नल वोल्टेज एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कि जो मेन प्रोसेसर आईसी से, पीसीबी का मेन प्रोसेसर आईसी से वोल्टेज बेस बोर्ड पर आता है। तो ये जो होता है ये वायर का थ्रू आता है। तो चलिए यहाँ पर प्रिंट है, आप देख सकते हो 8 GB का, एक आई के वोल्टेज का और ग्राउंड का, ठीक है, और एक 180 वोल्ट का। तो चलिए फर्स्ट जो देखूँगा कि आर कैथोड पिन, ठीक है, ये आर सिग्नल यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर कितना वोल्ट देखिए मीटर पर, 1 वोल्ट का आसपास, ठीक है। तो चलिए उसी का बाद जो देखूँगा जी सिग्नल वोल्ट, जो जी कलर यहाँ पर आता है, यहाँ पर वोल्टेज देखिए 1.1 वोल्ट, लगभग सेम देखा जाता है। और उसका बाद चलिए ग्रीन, ठीक है, ग्रीन पिन का वोल्टेज 1.456, इस तरह थोड़ा सा हाई लगता है। तो लगता है वोल्टेज इसका ओके है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, तो ये पिक्चर ट्यूब फॉल्ट वो आइडेंटिफाई किया। तो चलिए इसी टाइम आपको पिक्चर ट्यूब टेस्ट एक बार देखाऊंगा, ठीक है। तो पिक्चर ट्यूब टेस्ट करने का पहले आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये 200 DC रेंज पर मैं मीटर को सिलेक्ट किया है, और मीटर का एक कॉर्ड मैं नेगेटिव पर, पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव पर ये कनेक्ट किया है, ठीक है। और इसी टाइम एक बार ये तीनों जो कैथोड पिन पिक्चर ट्यूब का ये पिन पर टच करके वोल्टेज चेक करूँगा। देखिए ये जो एक नंबर पिन ये जी कैथोड का, ठीक है, यह पर अभी वोल्टेज देखिए 107 वोल्ट। जब मैं ये जी पिन पर टच किया, टच करने के बाद स्क्रीन पर देखिए ग्रीन कलर अधिक देखा जाता है। जब मैं छोड़ देता हूँ देखिए ग्रीन चला जाता है। तो लगता है कि पिक्चर ट्यूब के अंदर ग्रीन कलर है। उसके बाद चलिए ये आर कैथोड का पिन है, ठीक है, यह पर मैं जब वोल्टेज चेक करता हूँ वोल्टेज देखिए 120 वोल्ट, ये थोड़ा फ्रैक्चरेट होने लगता है। और स्क्रीन पर देखिए रेड लाइट आ जाता है। जब मैं ये पिन को छोड़ देगा ये नॉर्मल कलर हो जाता है। और उसके बाद चलिए लास्ट नंबर पिन, ये पिन पर वोल्टेज अभी आपको दिखाया, देखिए तब भी ये फ्रैक्चरेट है 100 वोल्ट का आसपास, और ये स्क्रीन पर देखिए ब्लू अधिक आता है। तो चलिए मैं ये पिन को छोड़ देता हूँ, छोड़ देने के बाद देखिए नॉर्मल कलर हो जाता है। तो दोस्तों पिक्चर ट्यूब का अंदर कलर है, लेकिन प्रॉपर कलर स्क्रीन पर पिक्चर के साथ नहीं आता है। तो क्या करना पड़ेगा, तो चलिए ये पिक्चर ट्यूब को एक बार चार्ज करके देखना पड़ेगा कि प्रॉपर कलर आता है कि नहीं। जो मैं चार्जर बनाया और वो चार्जर का ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो देखना चाहता हूँ तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर फॉलो कीजिए। चलिए मैं ये पिक्चर ट्यूब को एक बार चार्ज करके देखूँगा कि कलर सही आता है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए इसी टाइम इसका ओरिजिनल बेस को मैं बाहर कर दिया, ये जो ओरिजिनल बेस है इसका सब कुछ कनेक्शन ही है, मैं कुछ नहीं ओपन किया, सिर्फ ये जो चार्जर मैं बनाई, ये चार्जर का देखिए ये बेग बीस बिग नेक वाला बेस का अंदर ये कनेक्शन होगा, ये बाहर रखा है, और ये स्मॉल नेक कनेक्शन किया, ठीक है। और इसका जो तीनों अलग अलग कैथोड पिन है आप देख सकते हो, यह कैथोड पिन और यह कैथोड पिन और ये आर एक कैथोड पिन, ये तीनों कैथोड पिन के साथ इस तरह कनेक्शन करके मैं एक एक पिन के साथ कनेक्शन करके चार्ज करूँगा। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, चार्जर का सप्लाई दे दिया। और चलिए आप ये जो 5 वाट का बल्ब है यहाँ पर आप फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं सप्लाई दे दिया, आप देख सकते हो ये देखिए ये लैम्प धीरे धीरे ये ग्लो होने लगता है। जब ये ग्लो हो जाएगा, फुल ग्लो हो जाएगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये पिक्चर ट्यूब का ये पिन चार्ज हो गया है। तो लगता है ये फुल ग्लो हो गया।
तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। सप्लाई को ऑफ किया और इसके बाद चलिए मैं अलग सा ये जो कैथोड पिन है ये पिन पर ये कनेक्ट करूँगा, ठीक है। ये कनेक्ट करने के बाद तो चलिए मैं दोबारा सप्लाई दे देता हूँ। देखिए सप्लाई दे दिया और देखिए ये लैम्प देखिए दो बार ब्लिंक होने के बाद ये फुल धीरे धीरे ग्लो होने लगता है। तो इसीलिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये पिक्चर ट्यूब के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट था, तो इसलिए उस तरह वो ब्लिंक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये लैम्प तो फुल हो ग्लो हो गया, मैं ये ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ऑफ करने के बाद चलिए और जो अलग से कैथोड पिन है ये पिन पर कनेक्शन करूँगा। थोड़ा सा इसका अंदर शॉर्ट होगा तो वो भी रिमूव हो जाता है ये चार्जर से। तो चलिए सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। सप्लाई दे दिया और देखिए दोस्तों ये किस टाइप ब्लिंक होने का बाद ये धीरे धीरे ग्लो होने लगता है। तो दोस्तों ये एक बार तो मैंने चार्ज किया, तो चलिए ये ऑफ कर देता हूँ और दोबारा और एक बार चार्ज करके देख लेता हूँ कि क्या और कुछ आता है कि नहीं, कुछ फर्क आता है कि नहीं, ठीक है। एक बार तो मैं किया, दोबारा मैं करता हूँ, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए सप्लाई दे दिया और ये पिन देखिए धीरे धीरे ये ग्लो होने लगता है। तो लगता है कि पिन का काम हो गया, लेकिन ये बल्ब जो होता है ये और ग्लो होना चाहिए, तब ये पिक्चर ट्यूब फुल चार्ज होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा किया, ठीक है, उसके बाद नहीं होगा तो बाद में और एक बार करूँगा। और उसके बाद चलिए ये अलग सा पिन पर मैं कनेक्ट किया और चलिए मैं सप्लाई दे के देखता हूँ। सप्लाई दे दिया और दोस्तों देखिए इसका अंदर भी अभी फॉल्ट है, ये भी ब्लिंक होने का बाद ये ऑन हो जाता है ये बल्ब। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट पिन जो होता है ये नेक्स्ट पिन का एक बार करना पड़ेगा कि इसके अंदर भी एक बार ब्लिंक दिखा, ठीक है। तो मैं सप्लाई दे दिया और देखिए ये इस तरह धीरे धीरे ग्लो होने लगता है। तो ठीक है ये पिन ओके हो गया और दोबारा ये जो पिन का अंदर प्रॉब्लम दिखा ये पिन का एक बार फिर भी एक बार चार्ज करके देखता हूँ, ठीक है, कनेक्ट करके क्या रिजल्ट आता है आपका सामने ही मैं करके देखता हूँ। देखिए लगता है ये पिन ओके हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं पूरा सप्लाई ऑफ किया और ये चार्जर सप्लाई मैं पूरा ही ऑफ कर देता हूँ और ऑफ करने का बाद ये बेस को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका काम ख़त्म हो गया। तो दोस्तों इसका बाद मैं वीडियो लाइन देके एक बार देखूँगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नहीं। इसका अंदर फर्स्ट जो प्रॉब्लम देखा रेड कलर अधिक पिक्चर का साथ। तो दोस्तों इसी टाइम ये पिक्चर ट्यूब बहुत हीट हो जाता है, तो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो ठीक है थोड़ा ठंडा होने का बाद मैं सप्लाई दूंगा, तो उसका पहले ये बेस को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और कुछ टाइम बाद मैं सप्लाई दे के आपको देखूँगा, ठीक है। चलिए ये बेस को मैं लगाया और इसी टाइम एक बार सप्लाई दे के देखूँगा कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए मैं सप्लाई दे दिया और फास्ट ये बल्ब फुल ग्लो होने का बाद ये धीरे धीरे डाउन हो जाता है और उसका बाद तो चलिए स्क्रीन पर क्या रिजल्ट आता है देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये जो रेड प्रॉब्लम, ये हल्का सा रेड प्रॉब्लम है। तो चलिए एक बार वीडियो प्ले करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो प्ले किया और स्क्रीन का अंदर देखिए ये रेड अधिक दिखा जाता है, लेकिन जो ग्रीन वो बहुत ही कम लगता है।
तो पिक्चर के ऊपर कुछ भी अच्छा सा फर्क नहीं आया तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो कुछ आएगा आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करके देखूंगा कि ये जो ESD का नीचे वाला पिन, ठीक है, ये पिन को थोड़ा सा वेरी करके देखूंगा और आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए, आपको स्क्रीन पर देखूंगा, ठीक है, क्या फ़र्क आता है। ये स्क्रीन का ये नीचे पिन घुमाने का बाद लाइक और ठीक आ जाता है और ये धीरे से एडजस्ट करने का बाद ये काला भी हो जाता है, लाइट भी चला जाता है और धीरे से घुमाने का बाद स्क्रीन का अंदर शेडो टाइप भी आ जाता है, लेकिन इसका रेड पिक्चर अधिक है तो क्या लगता है। लेकिन ESD पिन घुमाने का बाद बीच बीच थोड़ा सा ग्रीन कलर कुछ कुछ पोजीशन पर दिखा जाता है। तो चलिए अलग सा वीडियो प्ले करके देखना पड़ेगा। देखिए ये पिक्चर का अंदर ग्रीन भी बहुत कम है तो क्या करना पड़ेगा। तो चलिए इसका रेट अधिक है तो मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया। ये पीसीबी के एक बार पलट करके देखना पड़ेगा कि ये पीसीबी का कंडीशन क्या है, तो इसलिए कुछ वायरिंग को ओपन करना होगा कि ये साउंड स्पीकर का जैक और उसके बाद ये डिगोसिंग कॉइल, ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों देखिए पीसीबी को पीछे किया और लगता है कि इसका ESD चेंज करके टेस्ट करके देखा और ये पीसीबी का बहुत कुछ फॉल्ट था लगता है और ये IC को भी सोल्डरिंग किया, आप देख सकते हो। और ये पीसीबी का कंडीशन आप एक बार देख लीजिए। तो चलिए कोई बात नहीं, ये बेस बोर्ड को एक बार चेंज करके भी देखना पड़ेगा और ये जो मेन प्रोसेसर IC को एक बार अच्छा करके भी सोल्डरिंग करके देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, नहीं तो लास्ट में पिक्चर ट्यूब को और एक बार चार्ज करके देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ही IC को अच्छा करके एक बार सोल्डरिंग करूँगा और उसके बाद नहीं होगा तो ये बेस बोर्ड को एक बार टोटल बेस बोर्ड को एक बार चेंज करके देखूंगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये PCB का जो मेन प्रोसेसर IC है, ये IC को मैं अच्छा करके क्लीन किया, अब देख सकते हो न्यू जैसा ये लग रहा है। तो और PCB को मैं थोड़ा सा पेट्रोल लेके साफ किया, अब देख सकते हो, और उसका बाद एक बार सप्लाई देके देखूंगा और उसका बाद नहीं होगा तो ये बेस बोर्ड को एक बार चेंज करूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट टाइम मैं ये चार्ज करके देखता हूँ और ये बेस बोर्ड मैं चेंज भी किया तब भी कुछ भी फर्क नहीं आया, तो ये नेक्स्ट टाइम जब मैं चार्ज करके आपको देखाऊंगा कि देखिए फर्स्ट ये 6 वोल्ट DC रेंज पर सिलेक्ट करके चार्ज किया तो इसी कंडीशन पर आपको एक बार दिखाता हूँ कि देखिए सप्लाई देके आप लैम्प पर फॉलो कीजिए। ये लैम्प पर जो 5 वाट का लैम्प है, देखिए जब मैं सप्लाई दे देता हूँ अब फॉलो कीजिए, ये लैम्प देखिए तुरंत ग्लो हो जाता है, ठीक है, इस तरह मैं चार्ज किया। तो चलिए मैं स्टॉप कर देता हूँ और ये मैं 12 वोल्ट सिलेक्ट किया, ठीक है, 12 वोल्ट पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इस टाइम मैं चार्ज कर देता हूँ, ठीक है, अब देख सकते हो। और इसी टाइम देने के बाद देखिए ये लैम्प तुरंत ग्लो नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों बहुत ही हल्का सा, देखिए बहुत ही हल्का सा ये धीरे धीरे ग्लो होने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ टाइम रखना पड़ेगा कि जब तक ये बल्ब फुल ग्लो नहीं होगा तब तक इस तरह रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह ये एक एक करके, ये एक कैथोड पिन पर कनेक्शन करके मैं चार्ज करता हूँ तो तीनों कैथोड पिन को इसी तरह एक एक करके रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों।
तो आप देख सकते हो ये बल्ब पूरा हल्का ये ग्लो होने लगता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब ये थोड़ा टाइम लगेगा तो दोस्तों लगेगा कि पिक्चर ट्यूब फुल चार्ज हो जाएगा, और ये जो प्रॉब्लम है ये पिक्चर ट्यूब का ही प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मैं ये पीसीबी का जो जो वोल्टेज है सब कुछ मैं अलग अलग टेस्ट करके देखा, और ये जो बेस बोर्ड मैं चेंज किया, आप देख सकते हो अलग सा बेस बोर्ड है, और ये मैं सब कुछ चेंज करके देखा कि कुछ भी फर्क नहीं आया। तो इसीलिए मैं दोबारा ये पिक्चर ट्यूब को चार्ज करके देखता हूँ। तो दोस्तों ये पीसीबी को अलग सा पिक्चर ट्यूब पर लगाने के बाद भी कॉन्फर्म हो जाने का चांस होता है कि बेस ये पीसीबी ओके है कि नहीं है, लेकिन ये मेरा जो दोस्त का पिक्चर टीवी है ये अलग सा कस्टमर का, वो टेस्ट करके देखा है कि ये पीसीबी ओके है। तब भी मन में कुछ डाउट था कि बेस बोर्ड से कभी कभी ये बेस बोर्ड से कभी कभी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, और कभी कभी ओके भी हो जाता है, इसीलिए मैं बेस बोर्ड को चेंज किया, ठीक है। तो दोस्तों ये मार्केट पर अवेलेबल है, ये बेस बोर्ड मिल जाता है, ठीक है, और इसका कनेक्शन भी आसान है। अब देख सकते हो ये मैं कनेक्शन किया इस तरह, कुछ भी इधर उधर नहीं किया, सिर्फ ये दो ज्वाइंट पॉइंट था ये मैं कट करके ये पॉइंट पर लगाया, ठीक है। और इसका पुराना बोर्ड आप देख सकते हो, यहाँ पर ये एक ही लाइन पर कनेक्शन था, सिर्फ बीच में जो फिलामेंट का कनेक्शन और जो 180 वोल्ट लाइन की ये मैं अलग कर दिया। तो ये बेस बोर्ड पर आप देख सकते हो ये फिलामेंट का और 180 वोल्ट का ये मैं अलग कर दिया। और इसका अंदर देखिए 8 GB आई के वोल्ट और ग्राउंड का पॉइंट यहाँ पर कनेक्शन है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप देख सकते हो इस तरह मैं कनेक्शन करके रखा है और ये फुल ग्लो नहीं हो रहा है। तो चलिए दोबारा, आपको फुल ग्लो होने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 10-15 मिनट का ये लग जाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं इस टाइम ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ऑफ किया, ऑफ करने का बाद मेन जो फॉल्ट ये कैथोड पिन का फॉल्ट है रेड का, ठीक है, रेड अधिक आ जाता है और ग्रीन भी बहुत कम है। तो चलिए यहाँ पर लगा के एक बार देख लेता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। तो ये प्रोसेस जो होता है बहुत टाइम लग जाएगा, और पूरा इस तरह आपको दिखाएगा तो वीडियो बहुत भी लॉन्ग हो जाएगा। तो अब देख सकते हो ये बहुत हल्का सा और धीरे धीरे ये बल्ब ग्लो होने लगता है। तो चलिए ये तीनों पिन को मैं अच्छा करके इस तरह चार्ज करूँगा, चार्ज करने के बाद लास्ट में देखाऊँगा कि क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों इसीलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये मैं अलग अलग कैथोड पिन पर कनेक्ट करके जब चार्ज देता हूँ, देखिए मैं 12 वोल्ट पर सिलेक्ट करके, तो ये दो पिन का जो बल्ब ये ग्लो हो जाता है आसानी से। और देखिए ये मैं ऑफ कर दिया, आपको दिखाता हूँ कि ये रेड पिन का कनेक्शन करके देखिए, ये मैं चार्ज किया अभी, तो ये भी तुरंत ग्लो हो जाता है, आप देख सकते हो। आपको दिखाता हूँ, आप ये बल्ब पर फॉलो कीजिए, देखिए तुरंत ग्लो होने लगता है। लेकिन दोस्तों देखने वाला बात यह है कि आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं ये ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद जब ये पिन पर कनेक्ट करके मैं चार्जर को ऑन करता हूँ, तो ये बल्ब तुरंत ग्लो नहीं होता है। तो इसीलिए ये पिन का जो कलर ये बहुत ही हल्का आ रहा है, तो इसीलिए ये पिन को अच्छा करके चार्ज करना पड़ेगा। तो अब देखिए इतना हल्का सा लाइट, मैं फर्स्ट आपको ये पिन पर ही कनेक्शन करके आपको देखा है कि ये हल्का सा इतना ही जल रहा है, लेकिन फुल नहीं हो रहा है। तो ये जब तक फुल नहीं होगा तो पिक्चर का कलर ओके नहीं होगा। तो इसीलिए ये पिन को चार्ज करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं कनेक्ट करके ही रखा हूँ, कुछ टाइम बाद जब ये फुल ग्लो हो जाएगा तब मैं सब कुछ ये पीसीबी का ओरिजिनल कनेक्शन जो होता है मैं सब कुछ करूँगा और पिक्चर देखे आपको दिखाऊँगा, ठीक है। अब देख सकते हो ये बल्ब फुल ग्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आपको टेस्ट करने के लिए आपको दिखाता हूँ, ये मैं ऑफ किया और देखिए ये कैथोड पिन को मैं जब लगाता हूँ, ये पॉइंट लगाने के बाद आप देखिए ये तुरंत ग्लो हो जाता है। आप ये 5 वाट बल्ब पर फॉलो कीजिए, देखिए तुरंत ये फुल ग्लो हो जाता है। तो ये तो दोस्तों ये आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, तो ये एक्चुअली जो मेन कैथोड पिन है ये कैथोड पिन का फॉल्ट है,
तो इसीलिए मैं कुछ टाइम ये लगा के आपको देखाऊंगा, जब फुल चार्ज हो जाएगा और ये बल्ब फुल ग्लो हो जाएगा आपको देखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो तो बहुत लॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाना पड़ेगा और ये प्रॉब्लम कौन कौन पोजीशन से हो सकता है ये सब कुछ आपको दिखाया। ठीक है, तो चलिए, क्या कोई बात नहीं, कुछ कुछ काम इस तरह हो जाता है, एक एक करके सब कुछ चेक करके देखना पड़ता है। तो दोस्तों आपको फर्स्ट बात है, ये एक टेक्नीशियन का पीसीबी है और ये टेक्नीशियन का एक टीवी है, वो सब कुछ टेस्ट किया, बहुत कुछ टेस्ट करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मेरा पास भेजा है। तो आप देख सकते हो मैं कितना टेस्ट किया, कितना क्या बताऊंगा आपको। तो इसका फॉल्ट तो लास्ट में पता चल गया कि इसका पिक्चर ट्यूब का ही फॉल्ट है, तो ये जब तक ग्लो नहीं होगा तो पिक्चर ट्यूब कभी क्लियर नहीं होगा, और ये क्लियर नहीं होगा तो पिक्चर भी क्लियर नहीं होगा। लास्ट ये फुल ग्लो नहीं होगा तो पिक्चर ट्यूब को भी चेंज करना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, तब भी मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा वेट करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, मैं 15 मिनट का ऊपर ये जो पिन ग्रीन कैथोड का पिन, जीके का जो पिन, यह पर कनेक्ट करके रखा है, और रखने के बाद ये लैम्प की बट फुल ग्लो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ये लाइट आ गया लेकिन ये बल्ब फुल ग्लो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कॉन्फर्म होना चाहिए कि इसका जो ग्रीन कैथोड पिन है इसका फॉल्ट है। तो मैं और कुछ टाइम रखूँगा, रखने के बाद देखूँगा कि ये बल्ब जब तक फुल ग्लो नहीं होगा तो इसका जो कलर फॉल्ट प्रॉब्लम वो क्लियर नहीं होगा, तब भी थोड़ा सा कलर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आपको प्रैक्टिकली जो दिखाता हूँ, देखिए ये मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं ग्रीन कैथोड पर कनेक्शन करके रखा है, और दोस्तों चलिए मैं नेक्स्ट कैथोड पिन पर कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैथोड पिन पर सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो आपका सामने मैं प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाता हूँ। देखिए, मैं सप्लाई दे दिया और मैं 12 वोल्ट पर सिलेक्ट करके रखा है, और ये बल्ब देखिए तुरंत ग्लो होने लगता है और ये तुरंत फुल ग्लो हो जाता है, आप देख सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे ये बल्ब फुल ग्लो हो जाता है। जब ये बल्ब फुल ग्लो हो जाएगा तो आपको कन्फर्म होना चाहिए कि पिक्चर ट्यूब चार्ज हो गया। एक एक कैथोड पिन को इस तरह करके देखना पड़ेगा। तो चलिए, मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ऑफ करने के बाद देखिए, ये कैथोड पिन आपको दिखाया, और ये लास्ट जो कैथोड पिन, ये कैथोड पिन पर आपको दिखाता हूँ। देखिए, सप्लाई दे दिया। ठीक है, और यह पर आप फॉलो कीजिए, देखिए ये बल्ब तुरंत धीरे से फुल ग्लो हो जाता है, अब अच्छा करके देखिए। तो दोस्तों ये पिक्चर ट्यूब का ही फॉल्ट है, तो ये दो पिन कैथोड पिन ओके लगता है। तो चलिए, मैं सप्लाई अप किया, अप करने के बाद आपको फिर भी दिखाता हूँ ये जो ग्रीन कैथोड पिन। आपको फर्स्ट बात है, ये पिक्चर ट्यूब के अंदर ग्रीन कलर कम है। तो देखिए, मैं सप्लाई दे दिया। ठीक है, देखिए, और ये बल्ब ऑन होने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, और बहुत हल्का से ये जल रहा है। मैं ये पिन पर कनेक्शन करके 15 मिनट का ऊपर रखा है, तब भी ये बल्ब फुल ग्लो नहीं हो रहा है। तो ठीक है, मैं और कुछ टाइम रखूँगा, जब तक ये फुल ग्लो नहीं होगा मैं नहीं छोड़ूंगा। अब देख सकते हो, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, तो ये ग्रीन कैथोड पिन का कुछ ना कुछ फॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, मैं रखूँगा इस तरह, और पिक्चर ट्यूब का अंदर आप देख सकते हो थोड़ा सा हल्का फायरिंग देखा जाता है। तो कोई बात नहीं, मैं इस तरह रखूँगा, ये पिक्चर ट्यूब फॉल्ट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, कस्टमर को चार्ज करने का पहले कस्टमर को बताना चाहिए कि पिक्चर ट्यूब भी फॉल्ट हो सकता है। तो जब तक ये फॉल्ट क्लियर नहीं होगा पिक्चर भी क्लियर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, आपका सामने ही मैं दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये पॉइंट पर बल्ब तो फुल ग्लो नहीं हो रहा है, बट इस तरह ये फ्लिकिंग आता है। ठीक है, आप देख सकते हो, तो ये तीनों कैथोड पिन सेम ही होना चाहिए। आपको दिखाता हूँ कि देखिए, ये मैं सप्लाई ऑफ किया, नेक्स्ट आपको ये कैथोड पिन पर टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए, ठीक है, देखिए
मैं सप्लाई दे दिया। और ये बल्ब देखिए ब्लिंकिंग कुछ नहीं है और धीरे से ये ग्लो होने लगता है, आप देख सकते हो खुद। लेकिन ये भी थोड़ा ब्लिंक कर रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इस तरह रखना पड़ेगा। तो ओनली रेड कलर हाई प्रॉब्लम है, ब्लू कलर जो होता है थोड़ा सा कम है और जो ग्रीन कलर वो भी बहुत कम है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ, ऑफ किया और मैं कुछ टाइम है 15 मिनट के ऊपर रखा है, इसीलिए पिक्चर ट्यूब ये जो बहुत हीट हो गया तो थोड़ा सा ठंडा होने देना पड़ेगा। ठंडा होने के बाद आपको एक बार दिखाऊंगा, ठीक है, क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि देखिए ये पिन कोड मैं जब टच किया ये बल्ब फुल ग्लो नहीं हो रहा है, तब भी हल्का सा ग्लो हो रहा है, तो पिक्चर भी सही आ सकता है। मैं कुछ दिन पहले एक पिक्चर ट्यूब को इस तरह चार्ज करके देखा, पिक्चर ओके आ गया। तो ठीक है, आपको एक बार दोबारा सप्लाई दे के दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, ठीक है, और जितना लॉन्ग टाइम चार्ज करेगा तो ये पिक्चर ट्यूब बहुत ही हीट हो जाता है, पिक्चर ट्यूब का जो नेक, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद भी ये बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, बहुत ही हल्का सा धीरे धीरे आ रहा है। तो दोस्तों ये कैथोड पिन का ही फॉल्ट है, ये 100% कन्फर्म है, हो गया, ठीक है, ये चार्जर से पता चल गया। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा ये रखूँगा और रखने के बाद देखिए किस तरह ये फॉल्ट है, ये बल्ब अप डाउन कर रहा है। तो कोई बात नहीं, एक बार पूरा पीसीबी को कनेक्शन करके देखूँगा कि पिक्चर सही आता है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह ये नहीं होना चाहिए, ये स्टॉप होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं लॉन्ग टाइम चार्ज करके रखा है तो पिक्चर ट्यूब इसी रीजन से फॉल्ट हो सकता है, पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट काट जाने का चांस हो सकता है, तो इसलिए मैं अभी इस टाइम ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, ऑफ किया। और कुछ टाइम मैं रखूँगा ये ठंडा होने के लिए, उसके बाद ये जो बेस बोर्ड ये मैं कनेक्शन करके देखूँगा कि पिक्चर क्लियर आता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली ये चार्जर से चार्ज करने के बाद इसका जो ग्रीन कलर प्रॉब्लम था वो ग्रीन कलर आ गया। और ये बेस लास्ट टाइम में ये बेस बोर्ड दोबारा लगाया, लगाने के बाद भी देखा कि ये बेस बोर्ड का भी फॉल्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये न्यू एक बेस बोर्ड लगाया और लगाने के बाद आप देखिए इसका जो रेड प्रॉब्लम, रेड कलर जो बहुत ही रेड कलर प्रॉब्लम ये चला गया। तो आपको कुछ वीडियो प्ले करके दिखाने के बाद आपका मन में जो डाउट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं अलग सा वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए इसका रेड कलर आउट हो गया, लेकिन दोस्तों और जो ग्रीन कलर होना चाहिए ये हल्का सा ग्रीन, ये देखिए ग्रीन कलर आ गया, लेकिन जो अधिक रेड कलर प्रॉब्लम ये चला गया। तो आपको दो एक वीडियो प्ले करने के बाद आपको पता चलेगा। इसका पिक्चर क्वालिटी आप देखिए कितना अच्छा हो गया। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।